एल्विश यादव कुछ दिन से फिर से विवादों में थे। आपको बता दें कि अभी एक मामला सुलझा नहीं है जिसमें सांपों के जहर और रेप पार्टी में उनका नाम सामने आया है, जांच जारी है। वहीं एक और मामला सामने आया था जिसमें एक और यूट्यूबर मैक्सटन के साथ उनकी मारपीट सामने आई। हालांकि एल्विश ने पहले आरोप लगाए कि मैक्सटन ने माइक भी पहना हुआ था, आसपास कैमरा सेट थे, यानी कि पूरी चीज प्लांटेड थी। मैक्सटन ने एल्विश पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि एल्विश भी लगातार अपनी सफाई में बातें कहते रहे थे, लेकिन मामला लगातार बढ़ता हुआ लग रहा था। लेकिन इसमें ताजा अपडेट जो सामने आया है उसने यूट्यूबर्स को एक राहत की सांस दी है कि दोनों में समझौता हो गया है। जी हां, ताजा पोस्ट शेयर की है एल्विश यादव ने और ये लिखा है कि घर में बर्तन होते हैं तो बजेंगे ही, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप, ये कहते हुए दोनों ने हाथ मिलाते हुए तस्वीर शेयर की है और ये भी साफ कर दिया है कि जो भी लड़ाई झगड़ा था वो खत्म हो गया है। लेकिन मैक्सटन ने ये भी कहा है कि किसी के भड़कावे में वो आ गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जिसके भड़कावे में आकर मैक्सटन ने एल्विश यादव पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए थे, और अगर ये एक मामला है तो क्या दूसरे मामले भी ऐसे हैं जिसमें एल्विश को फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्या जांच इस लिहाज से भी आगे बढ़ेगी? फिलहाल देखने की बात है। लेकिन इन दोनों को एक साथ देख करके दोनों के फैंस ने राहत की सांस ली है कि ये बढ़ता हुआ विवाद अपने आप सुलझ गया है।